वेलकम गाइस टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको लेके आए हैं हंटिंगटन लॉन्गरलैंड के अंदर एक वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजी पार्क इन्होंने बनाया है। वहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो सी बर्ड्स हैं और वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनकी ये अफसाशी नस्ल करते हैं यहाँ पे, और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके बारे में उनको जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पार्क के अंदर एक बीच भी है साथ के साथ, पानी है तो साथ बीच भी है इन्होंने बनाई हुई है, तो आपको वो भी दिखाएंगे और रेफ्यूजी के जो काम हो रहे हैं कोशिश करेंगे वहाँ तक भी आपको लेकर चलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बैरियर्स लगे हुए हैं, इनका मतलब है कि यहाँ से आगे आप कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ से आपको पैदल यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तकरीबन हाफ माइल होगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो जो है वो बग स्प्रे ज़रूर साथ लेके आएँ। ये इन्होंने मैप दिया हुआ है यहाँ का और मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं इन्होंने बताए हुए हैं कि ये जो ट्रैक बना हुआ है वो सारा रेस्ट रूम्स और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इन्होंने वो इसके ऊपर बताई हुई हैं। तो यहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है और यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से जो वाइल्ड लाइफ के परिंदे हैं जिनको ये यहाँ पर रेस्क्यू करते हैं, उनकी अफसाशी नस्ल करते हैं यहाँ पर। तो ये ईगल है और डिफरेंट किस्म के ज़्यादातर सी बर्ड्स हैं, कुछ कुछ जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे उसकी भी सर्चेज कर रहे हैं जो कि अभी ख़तरे में है, जिनकी जो नस्ल है वो काफ़ी जो है वो कम हो रही है, तो ये इनको बढ़ा रहे हैं। यहाँ कुछ ये टर्टल्स हैं, कुछ फ्रॉग्स हैं, यहाँ पे एक किस्म का छोटा चिपमंक है उसकी भी ये यहाँ पर जो है यहाँ पर ये पाया जाता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ से ट्रैक शुरू होता है, तो चलिए आपको ट्रैक के ऊपर लेके चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है यहाँ पे। दोनों तरफ ग्रीनरी है, पूरा जंगल है, जंगल के बीच में उन्होंने ये वाला ट्रैक जो है लोगों के लिए जो है वो बनाए हुए हैं। तो गैस हम बीच के बिल्कुल पास आ गए हैं। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे उन्होंने फ़िशिंग वालों के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन सी मछली जो है वो यहाँ पे वाफर मकदार में पाई जाती है, आप पकड़ सकते हैं। यहाँ से फ़िशिंग फ्री है यहाँ पे, आप देखिए लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, तो ये फ़िशिंग का उन्होंने सारे रूल्स भी बताए हुए हैं। यहाँ पर फ़िशिंग फ्री है, आप यहाँ पर फ़िशिंग कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो यहाँ पर ये वाली सारी मछलियाँ जो है वो यहाँ पर आपको वाफर मकदार में मिल जाएंगी। तो चलें चलते हैं बीच की तरफ। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा व्यू पॉइंट बनाया है जहाँ से आप बीच को और समुद्र को जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये एक दूरबीन भी लगाई हुई है जहाँ से आप जो है वो दूर तक दूसरे किनारे तक जो है वो इसको देख सकते हैं। पे लगाई हुई है, आप इससे जो है वो दूर दूसरे पहाड़ों तक जो है वो देख सकते हैं। दूसरा किनारा जो है वो बिल्कुल क्लियर आपको इसके अंदर नज़र आता है, वहाँ तक आप देख सकते हैं इसके अंदर। कोशिश करता हूँ अगर कैमरा जो है वो दिखा सके।
दूर तक सारे आपको गारो हर चीज़ जो है वो इसके अंदर आपको नज़र आएगी। ये लोग बोटिंग कर रहे हैं तो ये भी नज़र आ रहा है। और शुक्रिया। You got it. What type of fish is this one? Huh? What type of fish? The fish name? Hockey, you know the name? Hockey. Awesome, man. Hockey. Good catch.